नमस्कार, आपके साथ में हूँ अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मसलों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। चोर मस्त पुलिस पस्त, ये जो है टेक्स्ट लाइन, ये हमारे प्रोड्यूसर ने इसलिए दिया क्योंकि एक के बाद एक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक केस को सॉल्व नहीं किया जा रहा है कि दूसरा सामने आके खड़ा हो जा रहा है, चाहे वो सोनीपत हो, पानीपत हो या घरौंडा, एक के बाद एक खबरों ने लोगों को डरा दिया है। प्रदेश में आखिर चोरों का आतंक क्यों बढ़ रहा है, अब ये सवाल क्या लगता है आपको, जुड़िए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन खुली हुई है। तस्वीरें फिलहाल हम आपको जो दिखा रहे हैं वो सोनीपत की है, सीसीटीवी में कैद हो गया है चोरों का गिरोह। 9 गाड़ियों पर चोरों ने हाथ साफ किया, महंगे पार्ट्स को लेकर चलते बने। और यहां पर जब हमने अपने संवाददाता से संपर्क किया तो उनका ये कहना रहा कि ठीक इसी गाड़ी में यही चोर एक और गांव में जाकर चोरी की वारदात को इसी तरह से अंजाम दे चुके हैं, फिर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पानीपत में 3 करोड़ की लूट, नकाबपोश बदमाशों ने गोल्ड लोन बैंक पर ही डाका डाल दिया, स्टाफ को बंधक बनाया और वारदात को अंजाम दिया जैसे कोई हिंदी सिनेमा चल रहा हो। घरौंडा में कैनरा बैंक को चोरों ने निशाना बनाया। आप क्या कहेंगे, आप नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर जुड़िए, बताइए कि आखिर प्रदेश में बेखौफ क्यों है चोर, एक नहीं एक जैसी कई चोरियों को अंजाम दे रहे हैं, क्यों चोरों को पुलिस का डर नहीं है, या ये पुलिस की ओर से बरती गई लापरवाही का नतीजा है, चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम क्यों है पुलिस, क्या समझ में आता है आपको, बताएं हमें, क्या है आपके इलाके का हाल, या आप ही बेहतर बता पाएंगे। वहां पर भी चोर मस्त पुलिस पस्त नजर आ रही है क्या आपको, जुड़िए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हरियाणा की आवाज, ये मंच आपके लिए, जरूर फोन करें, वक्त को जाया मत होने दे, इस मंच का हिस्सा बनना आपका हक है, अधिकार भी। चोर मस्त पुलिस पस्त, आपके इलाके का क्या हाल है, यहाँ पर भी चोरी लूट हत्या डकैती वारदातों को अंजाम देकर अपराधी आसानी से निकल जाते हैं, चोरी की इतनी सारी खबरें जो सामने आ रही है ये क्यों, इस गाड़ी को देखिए, ये दूसरी दफा दिखी है सीसीटीवी फुटेज में, इससे पहले भी इसी गाड़ी से यही चोर आकर इसी तरह की चोरी को अंजाम दे गए जिसमें इन्होंने 9 गाड़ियों को निशाना बनाया और उसके महंगे पार्ट्स निकालकर चलते बने। दो दो दफा चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद भी पुलिस जो है इन्हें नहीं पकड़ पाई, ये सोनीपत की बात हुई। पानीपत में 3 करोड़ की लूट को अंजाम दिया गया, नकाबपोश बदमाशों ने गोल्ड लोन बैंक पर पानीपत में डाका डाला, स्टाफ को बंधक बनाया और फिर चोरी की। घरौंडा में कैनरा बैंक को चोरों ने निशाना बनाया, क्या कहेंगे, चोरी की वारदातों को पुलिस क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है। जाखल मंडी से हमारे रेगुलर कॉलर गोल्डी जुड़ गए हैं, बोलिए गोल्डी। नामिका जी नमस्कार। नमस्कार नामिका जी, पुलिस सुस्त नजर आ रही है, जो चोर हैं वो चुस्त नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैं जाखल का एग्जाम्पल दूंगा, परसों की बात करूं शनिवार की, कोई महिला एटीएम पे अपने पैसे निकालने गई, एटीएम से वहाँ पे बाइक सवार आते हैं, उसका पर्स भी छीन के ले जाते हैं और एटीएम वगैरह सब कुछ उसका छीन के ले जाते हैं जी। और जो हरियाणा पुलिस इतनी सुस्त और इतने ढीला रवैया आज तक देखा मैंने, और हरियाणा सरकार अपनी पीठ सब छुपा रही है कि नंबर वन हरियाणा, बाकी में नंबर वन हरियाणा, क्राइम में नंबर वन, डकैती में नंबर वन, रेप में है नंबर वन, और ये सरकार और जो हरियाणा प्रशासन है बिल्कुल फेल नजर आ रहे हैं मैम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, हरियाणा प्रशासन फेल नजर आ रहा है, इनको अपना फेल्योर स्वीकारते हुए स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्या काम कर रहे हैं, किस तरह की कोशिशें हैं, कैसे केस को सॉल्व कर रहे हैं कि एक और केस सामने आके खड़ा हो जाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपका डर नहीं है, कानून का खौफ नहीं है इन अपराधियों में, क्यों नहीं है, ये सवाल बड़ा है जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन खुली हुई है, जरूर जुड़िए और बताइए कि चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम क्यों है पुलिस, क्या है आपके इलाके का हाल, चोरों को पुलिस का डर क्यों नहीं है, बेखौफ क्यों है ये चोर, नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खोली हुई है, जरूर जुड़िए। एक बार फिर हम बता देते हैं प्रदेश में किस तरह से चोरों का आतंक बढ़ रहा है। पानीपत में 3 करोड़ की लूट को अंजाम दिया गया, गोल्ड लोन बैंक पर डाका डाला गया, यहां पर चोर पहुंचते हैं और एकदम जैसे बॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही हो, पूरे स्टाफ को बंधक बनाया जाता है और 3 करोड़ की लूट को यहां पर अंजाम दिया गया।
खबर यही नहीं रुकी, एक और खबर आ गई सोनीपत से, जहां सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि किस तरह से पहले की गई चोरी के मुताबिक ही दूसरी चोरी को इस गिरोह ने अंजाम दिया और 9 गाड़ियों को निशाना बनाते हुए महंगे पार्ट्स निकाल लिए। घरौंडा में कैनरा बैंक को चोरों ने निशाना बनाया, जहां से लूट को अंजाम दिया गया। नारनौल से कॉलर है हमारे साथ वीरेंद्र सैनी। सैनी साहब कहिए। ये हमारे यहाँ भागवत के मंदिर में डाका डाला, हाँ भागवत है शिव मंदिर, जी, यहाँ पे 10 दिन पहले डाका डाला, आज तक उसकी कोई ट्रेस नहीं है। हाँ पुलिस आई थी, जी, हाँ पुलिस आई थी, पुलिस आई थी, एसपी जा लिया 4 बार वहाँ पे, और क्या कह रही है पुलिस? यहाँ पे जो है ना बाजारों में चोरियां हो रही हैं, बता रहे कोई कोई वो नहीं पकड़ा गया। एक नहीं कई चोरियां हो रही हैं और कोई चोर नहीं पकड़ा गया। ऐसे में इनके हौसले बुलंद नहीं होंगे तो और क्या, ये तो यही समझेंगे कि कानून के हाथ लंबे होंगे, इतने भी लंबे नहीं है कि हमारे गिरेबा तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आगे भी फोन जरूर कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फोन लाइन जो है वो खुली हुई हैं, जरूर फोन करें और बताएं चोरी की वारदात को रोकने में नाकाम क्यों है पुलिस, क्यों चोरों को नहीं है पुलिस का डर, प्रदेश में बेखौफ क्यों हैं चोर, कई सवाल जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप जुड़िए और बताइए आपके इलाके का हाल क्या है, यहाँ पर चोर मस्त और पुलिस पस्त वाला सीन है क्या? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। लगातार बेखौफ होते अपराधियों पर, चोरों पर हम बात कर रहे हैं आज कि आखिर ये बेखौफपन क्यों है। चोरी की वारदात को बहुत ही आसानी के साथ अंजाम देके ये निकल जाते हैं और फिर उसी तरह की घटना को एक दफा और अंजाम देते हैं, फिर एक दफा और, फिर एक दफा और, आखिर इतनी ढील क्यों है? ये लापरवाही का नतीजा नहीं है तो और क्या है? कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये केवल डायलॉग भर ही रह गया है क्या कि वाकई कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि इनके गिरेबा तक पहुंचना चाहिए? कुछ तवर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉलर बोलिए कुछ। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश में लगातार चोरी की, लूट की, हत्याओं की वारदातें बढ़ती जा रही है। आप ये तो खैर सोनीपत है, ये आप पीछे की तरफ लगा लीजिए, पर जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं आप उनका हाल देखेंगे तो उनमें बहुत गंदा हाल है। गुड़गांव है, फरीदाबाद है, उसके बाद जो पलवल है, इनमें तो बहुत गंदा हाल है। यहाँ पे तो इतनी चोरी की वारदातें शामिल, साइबर सिटी कहा जाता है यहाँ पे। पुलिस ये कहते हैं कि हम इतने एक्सपर्ट है, किसी को हम एक चप्पल तक चोरी नहीं होने देंगे, बट यहाँ पे इतना गंदा हाल है कि आप कुछ भी, एक पेन तक भी सेफ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत गंदा हाल है, सरकार को सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया कुश इस तमाम बातचीत के लिए। आगे भी जुड़े कुश, हमारे रेगुलर कॉलर अमूमन जुड़ते हैं और अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाते हैं। कुश तवर की तरह आप भी फोन करें, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर भी। रामफल जुड़ गए हैं, रामफल बोलिए। हेलो, बोलिए सर। ऐसा जनाब, ये जो यहाँ न्यूज ने मुहिम चला रखी है ये बहुत अच्छी मुहिम है। हाँ हाँ इससे हर आदमी को पता लगता है भाई क्या कमी है उसमें, सरकार में, क्योंकि जो पुलिस, यानी एक तो पुलिस स्टाफ की कमी है पुलिस की, एक जी जो सरकार की जो फेलियर यही है कि जो ये जगह जगह रोज के प्रदर्शन, रोज के कभी सीएम का दौरा, कभी मंत्रियों का दौरा, ये मतलब ज्यादातर घूमने फिरने में ज्यादा जोर ला रहे हैं, सरकार चलाने में तो बहुत कमजोर है। इससे पुलिस तो सारा दिन पीछे उनकी सुरक्षा में लगी रहे, छोटे छोटे फंक्शन में कह दें जाओ आज यहाँ जाओ आज यहाँ जाओ, इनके पास तो टाइम ही नहीं, इनके तो मंत्री संतरी जो जो से नहीं, इन्हीं के नहीं सारा दिन पूरे पड़ते, कहाँ आवेगी इतनी पुलिस, जितनी पुलिस इन्हें ये रोज की। बहुत शुक्रिया, आगे भी जरूर फोन करें। कुरुक्षेत्र से ये कॉलर रामफल हमारे साथ अपनी राय शेयर कर रहे थे। मिठू सिंह है हमारे साथ, सिंह साहब बोलिए। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैडम ये पुलिस है सब कुछ कर सकती है जब अपनी करनी पर आ जाए, परंतु मेरे को तो ऐसे लगता है कि जैसे घोड़ा और घुड़सवार दोनों की आपस में टक्कर है। हाँ। ये घुड़सवार को ये मेरा ख्याल लताड़ के जाएगा, ये घोड़ा घुड़सवार को लतारेगा, ये खेल इनका चल रहा है सरकार का और प्रशासन का। ये कर सब सकते हैं, पुलिस चाहे सारा कुछ कर सकती है, परंतु ये घोड़ा और घुड़सवार वाली जो कहावत इनकी सरकार की थी उसकी ये रंजिश है। शुक्रिया जी। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार को चेत जाना चाहिए। चलो फोन रख दिया उन्होंने। मिठू सिंह की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। ये पूरा
आधे घंटे का समय आप लोगों के लिए होता है, इस मंच पर आप खुलकर बोल सकते हैं, बेबाकी के साथ अपनी राय रख सकते हैं, तो जरूर फोन कीजिए, नंबर हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। इंद्रजीत सिंह है कुरुक्षेत्र से। इंद्रजीत जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ भी ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है और इस सरकार में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है मैम। चलिए बहुत शुक्रिया। जुमलेबाजों की सरकार है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, इंद्रजीत का ये मानना। क्या कहेंगे आप, आपके इलाके के क्या हालात है, यहाँ पर भी चोर मस्त पुलिस मस्त है क्या? फोन कीजिए और बताइए, आवाज उठाइए, क्योंकि आवाज उठाएंगे तभी उन कानों तक आपकी गूंज, आपकी आवाज पहुंचेगी, जिन्हें कार्रवाई करना है, जिन्हें ये देखना है कि अगर हम चोरी के एक केस को सॉल्व कर रहे हैं तो सैकड़ों इस तरह के केसेस और आके ना खड़े हो जाएं, इतना तो डर हो इन शरारती तत्वों में, इन आपराधिक मानसिकता वाले लोगों में। लेकिन ऐसा है नहीं। प्रदेश में चोरों का आतंक आखिर बढ़ क्यों रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं, और बेहतर तरीके से तो आप ही लोग बता पाएंगे कि आपके इलाके में क्या हाल है, चोर मस्त और पुलिस मस्त वहां पर भी है क्या। लौट रही हूँ छोटे से अंतराल के बाद जानने के लिए। एक बार फिर से हम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत करते हैं ब्रेक के बाद भी, और फोन करने का सिलसिला बिल्कुल जारी रखिए। ब्रेक के बाद वैसे ही बहुत कम वक्त बचता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सभी अपने अपने इलाकों का हाल बयां करें कि यहाँ पर भी चोर मस्त और पुलिस मस्त है क्या, या वाकई यहाँ पर पुलिस का डंडा जो है वो इतना ताकतवर दिखता है कि चोरों की हालत खराब है और कोई इस तरह की हरकत को अंजाम देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, या वाकई चोर मस्त और पुलिस मस्त की कहानी आपके इलाके में भी जिंदा है, जीवित है। क्यों प्रदेश में बेखौफ है चोर, क्यों चोरों को नहीं है पुलिस का डर, क्यों चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम है पुलिस, क्या है आपके इलाके का हाल बताएं हमें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहे, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और बताइए कि प्रदेश में चोरों का आतंक आखिर क्यों बढ़ रहा है। अब फोन करने का सिलसिला जारी रखिए। इस बीच एक बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं आप तक, इस सबसे बड़ी खबर, सूरजपाल अमो को लाया गया पीजीआई रोहतक। सोहना से इस वक्त की बड़ी खबर, अमो को पुलिस कस्टडी में ले जाया गया पीजीआई रोहतक। आपको बता दें सीने में दर्द की शिकायत के बाद पीजीआई रोहतक डॉक्टर्स ने रेफर कर दिया गया था, डॉक्टर्स की ओर से रेफर किया गया था पीजीआई रोहतक, सीने में दर्द की शिकायत के बाद रेफर किया गया था सूरजपाल अमो को पीजीआई रोहतक लाया गया। हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या अपडेट है इस खबर पे? बिल्कुल, देखिए गुड़गांव जिला स्वास्थ्य विभाग ने जो है वो हालात को देखते हुए सूरजपाल लम्बू की उनको जो है पीजीआई रोहतक में जो है रेफर किया है। अब जो है वहीं पे जो है इनका इलाज जो है मुकम्मल तरीके से किया जा सकेगा। बता दें कि कल देर रात जो है वो सूरजपाल लम्बू को सीने में दर्द की शिकायत के चलते गुड़गांव में भर्ती कराया गया था। तमाम टेस्ट यहाँ पे किए गए हैं, हालांकि भी जो रिपोर्ट्स है वो डॉक्टरों ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से रोहतक रेफर किया गया है अपने आप में जो है एक बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि हमने जो डॉक्टर की पहले इनसे इस पूरे मामले पे बाबत जो बात की थी तो डॉक्टरों का साफ तौर से कहना था कि सूरजपाल लम्बू की जो कंडीशन है वो फिलहाल जो है वो ठीक है। कहीं ना कहीं अब रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ निकल के आया है सामने अनामिका, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो नई ताजा जानकारी यह है उस जानकारी के मुताबिक जो है इन्हें रेफर किया गया है पीजीआई रोहतक। जी, इतना बड़ा बवाल उसके बाद सूरजपाल लम्बू का नीरज ये बयान की मुझे शक है कि मेरी हत्या कराई जा सकती है, और अब अचानक से सीने में दर्द, बाकी के लोग इस तरह इन खबरों को किस तरह से ले रहे हैं, जरा इस पर भी आप अगर हमें जानकारी देते। नीरज, चले संपर्क टूट गया, एक बार फिर लौट रहा हूं हरियाणा की आवाज की ओर। इस मंच पर फोन लाइंस अभी खुली हुई हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और बताइए कि आपके इलाके में क्या हाल है, चोरी की वारदातों को आपने अपने इलाके में बढ़ते हुए देखा है, या पुलिस का कंट्रोल दिख रहा है आपको? पानीपत में 3 करोड़ की लूट, सोनीपत में 9 गाड़ियों पर हाथ साफ किया गया, महंगे पार्ट्स चुराए गए, और ये वो चोर निकले जिन्होंने इसी तरह की चोरी इसी गाड़ी के साथ, ये जो आप देख रहे हैं इसी गाड़ी के साथ
कई दफा अंजाम दिया है इस तरह की चोरियों को, और सीसीटीवी फुटेज में बार बार सामने आने के बाद भी पुलिस इनके गिरफ्तार तक पहुंच नहीं पाई है। गोरोना में केनरा बैंक को चोरों ने निशाना बनाया, एक के बाद एक आ रही चोरी की वारदातों से ऐसा जान पड़ता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुलिस जो है इन वारदातों को रोकने में नाकाम कहीं ना कहीं तो साबित जरूर हुई है। आपके इलाके का हाल बताएं, प्रदेश में बेखौफ क्यों है चोर ये बताएं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जरूर फोन करें और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। प्रदेश में बढ़ रहा चोरों का आतंक, राजीव सिंह है कैथल से, बोलिए राजीव। अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ मैं मैडम एक मिनट आपसे कहना चाहता हूँ, जो आप में जो न्यूज न्यूज अटेंड करते हो ना, उत्साह होता आपके अंदर, मैं आपके उत्साह से बड़ा कह रहे मतलब बड़ा सुंदर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बोले आगे बोलिए राजीव जी। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये रही बात उसकी पुलिस महकमे की, तो मैं बात उसके ऊपर कहना चाहता हूँ कि नियत और नीति में फर्क ठीक होनी चाहिए, सब कुछ हो सकता है। मैडम जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया राजीव, आगे भी जरूर जुड़ते रहें। कैथल से हमारे रेगुलर कॉलर राजीव को आप सुन रहे थे, तो हरियाणा की आवाज में आज हमें यही रुकना पड़ रहा है, फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़े हुए मसले को लेकर आपकी राय जानने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।